गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं का अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण देखते हैं। पिछली कक्षा में हमने वर्गीकरण किसे कहा जाता है, वर्गीय संवर्ग कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो वर्गीकरण का अध्ययन करने से पहले हम इसका इतिहास या हिस्ट्री देखें। तो प्रारंभ में जो वर्गीकरण मनुष्यों के द्वारा किया गया था वो वैज्ञानिक आधार नहीं था। पहला जो वर्गीकरण था, पहले जो मनुष्य के द्वारा वर्गीकरण किया गया वो जीवों के आवास स्थान, उनके खान पान और व्यवहार पर आधारित था। तो उसको हम वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार उसमें नहीं देख पा रहे थे। सबसे पहले वर्गीकरण का जो वैज्ञानिक आधार हम प्रस्तुत किया गया वो अरस्तु के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अरस्तु के द्वारा सर्वप्रथम वर्गीकरण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग किया। सर्वप्रथम अरस्तु ने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया उसमें हमको वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिखाई दिया। उन्होंने संपूर्ण जीव जगत को दो समूहों में विभाजित किया। पादपों को, जो पादप है, और दूसरा जंतु। पादप और जंतु में विभाजित किया। उसके पश्चात ये जो पादप है इनको आकारिकी आधार पर, इनका जो बेस लिया उन्होंने आकारिकी आधार पर पादपों को उन्होंने वृक्ष, झाड़ी और शाख में विभाजित किया। तो अरस्तु के द्वारा अपने वर्गीकरण में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग किया। उन्होंने पादपों को आकारिकी आधार पर वृक्ष, झाड़ी और शाख में विभाजित किया। उसी प्रकार से जो जंतु हैं इनको उन्होंने लाल रक्त के आधार पर, ब्लड के आधार पर, रेड ब्लड के आधार पर इन्होंने इनको दो भागों में विभाजित किया। पहला भाग इनाइमा इसमें ऐसे जीवों जंतुओं को रखा जिनमें रेड ब्लड उपस्थित होता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि लाल रक्त वाले जंतु, लाल रक्त वाले जंतु। उसी प्रकार से दूसरा समूह जंतुओं का उन्होंने बनाया, वो बनाया एनाइमा, जो इसको लिखे इस समूह में उन जंतुओं को रखा गया जिसमें लाल रक्त उपस्थित नहीं है, ये रक्त उपस्थित नहीं है, तो हम बोलेंगे अपसेंट, लाल रक्त अनुपस्थित। तो इस प्रकार से जो पहला वर्गीकरण जिसमें हमको वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है वो अरस्तु के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। पादप और जंतुओं का उन्होंने अलग अलग वर्गीकरण किया। पादपों का उन्होंने आकारिकी आधार पर वर्गीकरण किया। वृक्ष, झाड़ी और शाख में जंतुओं का रुधिर की उपस्थिति, लाल रक्त की उपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण उनका किया। इनाइमा, जिसको हम जिसमें लाल रक्त वाले जंतु हैं उनको रखा गया, और दूसरा था एनाइमा जिसमें लाल रक्त अनुपस्थित था, ऐसे जंतुओं को रखा गया है। इसीलिए अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। तो फादर ऑफ जूलॉजी किसको बोलते हैं? फादर ऑफ, हम इसको यहां पर नोट डाउन करें, फादर ऑफ जूलॉजी
जंतु विज्ञान के जो फादर है वो अरस्तु को बोला जाता है।